हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम चलने वाले हैं एयरपोर्ट। आपको पता है हमारी गोवा की फ़्लाइट है, 10:10 हो चुके हैं। फ्लाइट के लिए टाइम है नहीं, जल्दी से उबर वो बुक करते हैं। मतलब तो आप थोड़े मुंबई के मज़े लीजिए, फिर तो गोवा के लेने आई। आज अपन एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और अपन ने बोर्डिंग पास अपना ले लिया है। और ये देखिए एयरपोर्ट तो आप देख ही चुके हैं, बहुत ही प्यारा माहौल है यहाँ पे। अब थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट है, फिर हम आपसे सीधा गोवा ही मिलेंगे। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है यार, पहली बार फ्लाइट में बैठने का, मज़े आएंगे। चलिए आप हमारे साथ चलिए, आज एक राइड एंजॉय होगी बहुत प्यारी सी। तो गाइज अभी हम हैं एयरपोर्ट पे और हमारी फ़्लाइट का टाइम है अभी 2 बजे है। तो अभी दीदी की फ़्लाइट का टाइम थोड़ा जल्दी था, इसलिए आपने सोचा थोड़ी घुमाई कर दी जाए यार, आपको थोड़ी एयरपोर्ट की सैर करा दी जाए। तो चले एयरपोर्ट की सैर पे। और यार क्या एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक तो वो तो डोमेस्टिक है, फिर इंटरनेशनल वाला होता ना, मतलब फ़्लाइट डोमेस्टिक है, एयरपोर्ट इंटरनेशनल है। आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूजन, पहली बार। गहरी सांस ली जाए, अब आपको एयरपोर्ट के दर्शन कराते हैं। तो गाइस अभी अपन आ चुके हैं बोर्डिंग एरिया में, वो देखिए अपनी फ़्लाइट करी है, वहीं से उड़ के अपन सीधा और चले जाएंगे गोवा। यार आप लोगों को पता नहीं होगा, बता दूं यार बोर्डिंग के लिए थोड़ा जल्दी आना पड़ता है। मैं तो रेगुलर पैसेंजर हूँ, मुझे तो पता ही होगा ना। कौन हंस रहा है यार, पता नहीं कौन कौन हंस रहता है, एयरपोर्ट पर शर्म ही नहीं है। चलिए छोड़िए, आप इग्नोर कीजिए ऐसे पीपल को, और अभी अपन चलते हैं, फ़्लाइट के नज़ारे लेते हैं और मिलते हैं गोवा में। अपन गोवा लैंड कर चुके हैं, अपनी फ़्लाइट यहाँ पे लैंड हो गई थी 3 बजे। पर वहाँ होटल ढूंढने में और फिर वहाँ से एयरपोर्ट चेकआउट करने में माथा पच्ची इतनी ख़राब होती है ना, सही में नींद आ रही है, मन कर रहा है सब छोड़ के चद्दर ओढ़ के पट सो जाऊँ। पर ऐसा नहीं कर सकते ना भाई, आप लोगों को घुमाना भी अभी तो पीछे देख रहे हो आप, ये मेरी बालकनी है और ये है पूरा मेरा होटल। अंदर से आपको भी कमरे दिखाऊँगा मैं, बड़ा अच्छी जगह है, बागा बीच बिल्कुल सामने जाके है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप जुड़े रहिए, अब तो आपको मज़ा ही मज़ा आने वाला है। पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि आगे तो और एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है। चलिए तो अब मैं खाना वाना खा लेता हूँ, उसके बाद शाम को करते हैं बातें खूब सारी। तो नहीं आ रही होगी वैसे, पर अभी हम बीच पार्टी पे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बीच पार्टी हो रही है। पूरा बीच है अपना सामने, लहर वहर उतरी है क्या, उठ रही है। अभी हम निकले बाहर रात के मजे लेने, चप्पल खोल दिए मैंने, अब पैदल चलेंगे सीधा स्टैंड पे। जो मजे लीजिए पार्टी का, वीडियो पूरा देखना, अब तो ऐसे मजाने वाले पूरे गोवा ब्लॉग में। एंजॉय। भाई लोग बहुत शानदार म्यूजिक बज रहा है पीछे और लोग अपने कपल्स को लेकर आए और जोरों जोरों से नाच रहे हैं। अपन तो क्या है, अपन तो फैमिली के साथ आए हैं, तो एंजॉयमेंट है कोई बात नहीं। पर आप जरूर जिंदगी में एक बार अपने चाहने वाले या अपने कपल के साथ हैं जरूर आए और गोवा के मजे लें, क्योंकि ये धरती का स्वर्ग है गाइस। एंजॉय। कोका कोला तू शोला शोला तू, कोका कोला तू।